जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई के फेमस बटाटा वड़ा की रेसिपी। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हम आपके साथ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बटाटा वड़ा के लिए बेसन का एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पर मेज़रिंग कप से मेज़र करके 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, यानी कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने हल्दी पाउडर लिया है। इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है 2 चुटकी हींग और इन चीज़ों को हम पहले बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सूखे मसालों को बेसन के साथ मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अगर एक साथ में पानी ऐड कर देंगे तो इसमें बड़े बड़े लम्स पड़ जाएंगे। तो इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहना है और इसका बिल्कुल गाढ़ा घोल बना लेना है। तो इस तरह से हमने बटाटा वड़ा के लिए बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इस तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो अब हम इस घोल को कवर करके रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब हमें बटाटा वड़ा के लिए आलू का मसाला तैयार करना है। तो एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर दी। तो जैसे ही तेल में राई अच्छे से चटकने लगेगी तब हमें इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। तो तकरीबन 12 से 15 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है 2 चुटकी हींग और कड़ी पत्ते को तेल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो इसी तरह हमें 10 से 12 सेकंड्स के लिए कड़ी पत्ते को तेल में फ्राई कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 12 से 15 छोटी हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10 लहसुन की कलियाँ। इन तीनों चीज़ों को हमने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में इन तीनों का दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लिया जब तक कि लहसुन का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और हल्दी का कच्चापन दूर होने तक हम इसे तेल में 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हल्दी की कच्ची स्मेल दूर होने तक हमने इसे तेल में थोड़ा फ्राई कर लिया और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो हमने 1 किलो आलू लिए हैं और इन आलू को उबाल कर हमने मैश कर लिया है। तो आलू मैश करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि हमें इसे बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना। इस तरह से हम इसमें आलू के थोड़े से चंक्स रखेंगे, इससे इसका बटाटा वड़ा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसी के साथ हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। तो हमने 1 टीस्पून भर के इसमें नमक भी ऐड कर दिया। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारे मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स होने तक हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लिया है और अब देखेंगे कि आलू में जो थोड़ा बहुत पानी था वो पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और इस मज़ेदार सी स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। तकरीबन 1 टेबलस्पून नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया। आप नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमें आलू के साथ अच्छे से मिला लेना है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो हमारा बटाटा वड़ा का मसाला रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। अब हमें हाथों को तेल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह से हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे एक बोल का शेप दे देंगे। हम यहाँ पर बड़ी साइज़ के बटाटा वड़ा बना रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी छोटी साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं। और इसी तरह से हमें सारे बोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं।
बटाटा वड़ा फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया और इसी के साथ हमारे घोल को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुकी है। घोल अच्छे से सेट हो गया है तो स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ हमें इसमें 2 टेबलस्पून गरम तेल ऐड करके इसे मिला लेना है। और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ये वड़ा पर कोट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने जो बॉल्स बनाकर रखे हैं उसे हम इस तरह से घोल में डीप करेंगे और इसे हम घोल से अच्छे से कवर कर लेंगे। जब इस पर घोल अच्छे से कोट हो जाएगा तो जो ज़्यादा का घोल है उसे हम इसी में निकाल देंगे और तुरंत ही हम इसे तेल में डाल देंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक बार पैन में जितने बॉल्स आएंगे उतने हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और इन बटाटा वड़ा को फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अगर आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया तो इससे क्या होगा कि ये तुरंत ही डार्क हो जाएंगे और इसका जो बेसन है वो भी कच्चा रह जाएगा। तो बस इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो जैसे ही ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से हमें इसी तरह इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हमने इनको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया, या फिर इन्हें तब तक फ्राई कर लें जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। और जो बाकी के बोल्स हैं उसे भी हमें इसी तरह बेसन के घोल में डीप करके इन बटाटा वड़ा को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो बने हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा। इन बटाटा वड़ा के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हमने इनको फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही सिंपल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।